बलविंदर सिंह सऊदी अरब गया सीगा ते जिहदा मसला पंजाब क्यों पूरे देश वासियां ते बाहर जिहड़े कनेडा अमरीका की धरती ते बैठे आ पंजाबी सारयां दे ध्यान च पिछले 18 मई नूं सिर कलम कीता जाणा सीगा सऊदी अरब दे विच ते उदों उधरला 10 लख रियाल जो सऊदी सरकार ने कहा सी ते अज 13 महीने हो गए बलविंदर सिंह सऊदी अरब तो रिहा नहीं होया। अज पिछले दिनों च भी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वालों इत्थे मंग पत्र दिता गया ते अज भी मैडम डीसी साहब नूं असीं मिले हां। विदेश मंत्रालय की मदद के नाल ते उत्थे परिवार नूं ओह राशि मिल चुकी है। परिवार ने कोर्ट के विच बयान भी दे चुके आ ते उहदी सिर कलम की सजा भी टल चुकी है। अज पिंड मल्लण जिला मुक्तसर साहब जो पिछले समय तो बलविंदर सिंह सऊदी अरब गया सीगा ते जिहदा मसला पंजाब क्यों पूरे देश वासियां ते बाहर जिहड़े कनेडा अमरीका की धरती ते बैठे आ पंजाबी सारयां दे ध्यान च ते जिन्हां ने सारयां ने इस दे विच हिस्सा पाया ते उहदी जान बचाई। अज उस मैटर ते असीं दुबारा आए हाँ। बलविंदर सिंह दा जो पिछले 18 मई नूं सिर कलम कीता जाना सीगा सऊदी अरब दे विच ते उदों उधरला 10 लख रियाल जो सऊदी सरकार ने कहा सी वी जां तां इह जुर्माना भरिया जावे ते नहीं इहदा सिर कलम कीता जाऊगा। 10 लख रियाल दे हिसाब दे नाल उहदा इधरला हिंदुस्तान दा 2.5 करोड़ रुपया जो पंजाबियों की सहायता नाल पूरा किया गया पंजाबियों ने संजोग किया ते उत्थे जदों सरकार ने इधरों भेजा तो विदेश मंत्रालय की मदद के नाल ते उत्थे परिवार नूं राशि मिल चुकी है। परिवार ने कोर्ट के विच बयान भी दे चुके आ ते उहदी सिर कलम की सज़ा भी टल चुकी है। तो अज 13 महीने हो गए बलविंदर सिंह सऊदी अरब तो रिहा नहीं होया। उहदी माता की डैथ हो चुकी है। माता डीकदी डीकदी दुनिया तो चली गई है ते उस घरे परिवार दे विच कोई नहीं रह गया मगर एक बलविंदर का वड्डा भरा रह गया ते जां एक उन्होंने चाचे का लड़का जो पैरवाई करता भरा इन्नी नहीं कर सकता ते असीं चाहुंदे आ। अज पिछले दिनों च भी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वालों इत्थे मंग पत्र दिता गया ते अज भी मैडम डीसी साहब नूं असीं मिले हां वी तुसीं पंजाब सरकार नूं ते पंजाब सरकार केंद्र सरकार दे नाल तालमेल करके ते सऊदी सरकार दे नाल तालमेल करके बलविंदर नूं उत्थों रिहा किया जाए भी की प्रोसैस आ क्यों नहीं रिहा हो रहा। जदों प्रोसैस उत्थे पूरा हो गया दो शर्तां उत्थे सऊदी अरब दे कानून दीआं भी जां सिर कलम किया जाता जां जुर्माना किया जाता। जुर्माना आपां अदा करता फिर वह रिहा क्यों नहीं हो रहा। 13 महीने हो गए इस प्रोसैस नूं पूरा कीते नूं असीं चाहुंदे आ पंजाब सरकार दे ध्यान च मसला लिआउणा चाहुंदे आ भी इस चीज़ नूं ध्यान च रख के बलविंदर सिंह नूं रिहा कराया जाए नहीं फिर आने वाले दिनों च भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वालों इस पद्धर ते संघर्ष करांगे ब्लाक वालों रखांगे। पहलां तां असीं ब्लाक गिदड़वाहा वालों ते साडा फर्ज है दब्बे कुचले लोगों की आवाज़ चकना ते झंडा किरती लोगों का झंडा ते लोगों की आवाज़ चकदा ते फिर जे सरकार ना गल सुनूगी तो फिर असी इस पद्धर ते असी संघर्ष करांगे ते असी इहदे जल्द बलविंदर सिंह अपने वतन ते अपने घर परते ते ये आसा दे नाल असी अज इत्थे आए। ये बलविंदर सिंह जी जो आपां नूं सारयां नूं पता ही है कि बलविंदर सिंह नूं सिर कलम की सज़ा हुई सी तो उस मसले में अज असी डीसी साहब नूं मिलण वास्ते आए सी एप्लीकेशन दे के आए हाँ भी उन्हां दी सज़ा पूरी हुई नूं तां उन्होंने 7 साल सज़ा पूरी की सी जो जुर्माना किया उत्थों की सरकार ने वो जुर्माना भी मतलब दे चुके हैं तो हजे तक बलविंदर नूं रिहा नहीं किया गया। उस मसले में असी डीसी साहब नूं मिलण आए हैं जी तो असी डीसी साहब नूं मंग पत्र दिता हैगा तो वह कहिंदे हफ्ते 10 दिनां च तुहानूं इस प्रोसैस बारे दस्या जाऊगा। असी काफ़ी बारी मेल कर चुके हैं अंबैसी नूं पर अंबैसी हुण इस मसले विच साडी हजे तक कोई उन्होंने बाँह नहीं फड़ी गी क्योंकि जदों केस एक क्लीयर हो गया सीगा उदों अंबैसी कहिंदी सी हफ्ता 10 दिन का यह प्रोसैस आ हफ्ते 10 दिन च बलविंदर इंडिया वापस आ जाऊगा पर बलविंदर नूं अज 13 महीने हो चुके हले तक बलविंदर इंडिया वापस नहीं आया। की नाम है ते की कहना? मैं हरबंस सिंह कोटली
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਮਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।